हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। ड्राई वीक चैलेंज फाइनली खत्म हो गया है, खुल गई हैं बोतलें, जगह जगह पर सीन बन रहे हैं। और आज विस्की वेंसडे में हमारे यहाँ सीन बना रही है ये विस्की, जिसका नाम है वैलेंटाइंस फाइनेस्ट। और दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस सैटरडे करेंगे हम एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम, जिसमें हम करेंगे सेलिब्रेट हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स। हालांकि अभी 960 के आसपास सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आई होप कि सैटरडे तक हो जाएंगे। तो इस सैटरडे को हम करेंगे लाइव स्ट्रीम वो सेलिब्रेट करने के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिए, ताकि हम वो 1000 का जो माइलस्टोन है वो पूरा कर लें। और इस लाइव स्ट्रीम में हम करेंगे बहुत सारी बातें, कुछ लाइव रिव्यूज़, और हो सकता है शायद एक गिव अवे भी कर दें। तो किस चीज़ का लाइव रिव्यू आप देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं पहले ही वो बॉटल ला के रख लूँ। मिलते हैं सैटरडे को लाइव स्ट्रीम पर। वैलेंटाइंस फाइनेस्ट, बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी इस विस्की के रिव्यू की, और कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर, वेल नोन और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड विस्की है ये। वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर ब्लेंडेड स्कॉच में से एक है। इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं इसके, और इनफैक्ट साउथ कोरिया की नंबर वन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है ये। अब आखिर कितनी अच्छी है टेस्ट में, ये तो हम जान ही लेंगे आज। हालांकि ये बॉटल खुली हुई है, ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, बट ये मेरे फ्रेंड की हरकत है। मैंने भी ये विस्की पहले पी हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, और उस गैप के बीच में हमने काफ़ी अच्छी बेहतरीन विस्कीज ट्राई करी हैं। तो आज चेक कर लेंगे कि वैलेंटाइंस कितने पानी में है। दोस्तों, वैलेंटाइंस की कहानी शुरू होती है 1827 से, जब मिस्टर जॉर्ज वैलेंटाइन ने अपने ग्रोसरी स्टोर से विस्की बेचनी शुरू करी। अब ये कहानी काफ़ी सिमिलर है जॉनी वॉकर से, या फिर टीचर से, या फिर मैं कहूँगा किसी भी और ब्लेंडेड स्कॉच विस्की से, क्योंकि उस टाइम पर डिस्टिलर्स जो विस्की बनाते थे वो खुद नहीं बेचते थे, वो आगे ग्रोसरी स्टोर्स वालों को बेच देते थे, और वो शॉप ओनर्स उन विस्कीज को मिक्स एंड मैच करके अपनी बॉटल में डालकर अपना लेबल लगाकर बेचते थे, जिससे उनकी शॉप का वो एक यूनिक प्रोडक्ट बन जाता था। और इसी तरह से वैलेंटाइंस विस्की भी फेमस हुई, और फेमस इस तरह से हुई कि इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया तक आ गई। दोस्तों, विस्की को इंडिया में लाने वाले थे अंग्रेज़, और कहा जाता है कि ये विस्की इतनी पॉपुलर थी कि इंडियन रॉयल फैमिली की फेवरेट विस्की बन गई थी। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये एक रूमर है। अगर आप में से किसी के पास प्राचीन भारत बुक है तो प्लीज़ पढ़ के बता दीजिए कमेंट्स में कि क्या ये बात सच है। तो एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है ये, और हम जान चुके हैं कि ब्लेंडेड का मतलब होता है कि मल्टीपल डिस्टिलरीज से लेकर विस्कीज यूज़ करी जाती हैं, और उस बॉटल में डालकर एक विस्की बनती है। और वैलेंटाइंस फाइनेस्ट में यूज़ करी जाती हैं 50 से ज़्यादा विस्कीज। कमाल की बात है कि 50 से ज़्यादा विस्कीज यूज़ होने के बावजूद इसका टेस्ट हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, और इसकी दाद देनी पड़ेगी इनके मास्टर ब्लेंडर को, जो है मास्टर ब्लेंडर बबलू तो ओल्ड हैबिट वाले थे, इसके मास्टर ब्लेंडर है मिस्टर सैंडी हिस्टलॉ। तो इसका प्राइस है ₹1800 इन दिल्ली, जिसका मतलब है कि एक इंट्रोडक्टरी स्कॉच विस्की है ये, और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है जॉनी वॉकर रेड लेबल, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है बिल्कुल, और दोनों ही ब्लेंडेड विस्की हैं। बट सिर्फ प्राइस एक विस्की की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता, तो इसलिए चेक करते हैं कि इसका टेस्ट और क्वालिटी कैसी है। छोटा सा पोर करते हैं इस विस्की को और आते हैं सीधा नोजिंग पर। तो चलिए नोजिंग पर आते हैं पहले। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं इस विस्की में मॉल्ट के, काफ़ी स्वीट नोट्स आ रहे हैं। गुड़ वाली जो गच्छक होती है वैसे नोट्स आ रहे हैं मुझे इसके अंदर से। स्मोक कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, जो कि एक नॉर्मली एक स्कॉच विस्की में फील होता है, इसमें बिल्कुल भी स्मोक फील नहीं हो रहा है मुझे। तो चलिए टेस्ट पर आते हैं। स्वीट, रिच मॉल्ट, कैरमल का टेस्ट है काफ़ी अच्छा। स्मोक हार है मुझे हल्का हल्का, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है बट हल्का हल्का स्मोक है।
सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं लग रहा कि 50 अलग अलग तरह की विस्की इसको मिक्स करके इसे बनाया गया है, एक सिंगल विस्की का टेस्ट आ रहा है जो कि काफ़ी स्मूथ है। मेरे ख्याल से एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये लाइट एंड स्मूथ स्कॉच विस्की का। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बजट स्कॉच विस्की है। अगर आप इंडियन विस्की से जम कर स्कॉच विस्की ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा स्कॉच विस्कीज के लिए। ऑल्दो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इससे कम प्राइस में कुछ स्कॉच विस्कीज अवेलेबल हैं जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स, बट उसका एक रीज़न है कि ये विस्की पूरी तरह से इम्पोर्टेड है, ये बॉटल्ड आती है इंडिया में, अनलाइक अदर विस्कीज लाइक टीचर्स और 100 पाइपर्स जो बैरल में आती हैं इंडिया में और उसके बाद इंडिया में बॉटल्ड होती हैं। तो ये एक रीज़न है इसके प्राइस के डिफरेंस का। तो अब आते हैं स्कोर पर और पहले बात करते हैं टेस्ट के स्कोर की। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी विस्की है ये, एज अ बजट स्कॉच आई थिंक बहुत अच्छी विस्की है। रेड लेबल से मुझे ज़्यादा बेटर लगी है विस्की, बट वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, हो सकता है आपको रेड लेबल ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो ये देखते हुए टेस्ट के इस विस्की को मैं दूंगा 8 out of 10। और जहाँ बात आती है वैल्यू फॉर मनी की, तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी में कोई बुरा प्राइस नहीं है 1800, बट कंसिडरिंग कि इसकी इस विस्की के प्राइस से कम में भी विस्कीज अवेलेबल हैं बजट स्कॉच जिनका टेस्ट पर्सनली मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो 1800 थोड़ा ज़्यादा प्राइस है इस विस्की के लिए, आई थिंक थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये देखते हुए इस विस्की को वैल्यू फॉर मनी के भी मैं दूंगा 8 out of 10। तो इसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 8 out of 10। लास्ट वीक कमेंट आया था हसन इकबाल जी का, जिन्होंने बोला है वाह भाई क्या विस्की सजेस्ट करी है, फ्राइडे नाइट को पूरी टीम मी एंड माय कलीग खूब एंजॉय किया एंड दिस विस्की इज़ नाउ माय न्यू फेवरेट, थैंक्स अ लॉट। और ये रिव्यू था ब्लैक लेवल पे, तो आई एम ग्लैड कि आपको ब्लैक लेवल पसंद आई, मुझे खुद काफ़ी पसंद है वो विस्की, और आई होप कि आपको वैलेंटाइन भी पसंद आए। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका टेस्ट ब्लैक लेवल से ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई विस्की अच्छी है या बुरी है, मैं वो आप पर छोड़ता हूँ। मेरा काम है कि आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना, अपना ओपिनियन देना, और उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपको क्या पसंद आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वैलेंटाइंस फाइनेस्ट स्कॉच विस्की के ऊपर। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।